ठीक है चलो स्टार्ट करें आगे बढ़े अब तक हमने क्या किया था तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज नंबर जैसे जो कि हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 का अब आगे देखो कैसे हमको क्या करना है अब वही तरीके से कॉन्सेप्ट तो ऐसा कुछ नया नहीं है अगले एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम कवर करके आगे बढ़ेंगे पैटर्न तो वही रहने वाला है तो चलो शुरुआत करते हैं आगे का क्वेश्चन देख लो पहले क्या है क्वेश्चन नंबर फोर अब क्या बोला है सबसे पहले बोला है कि राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथर्ड मतलब क्या देखो बोला गया यहां पर लिस्टिंग लिस्ट list कर देना है आपको बराबर आपको उधर लिख देना है कि उसके आंसर क्या है तो ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर सिस्टम आई कैपिटल आएगा दट इज इंडियन सोलर सिस्टम चलो स्टार्ट करते हैं रेडी है ना आप कभी भी लेक्चर प्लीज आप रिवाइज करो पहले लेक्चर उसके बाद ही लिस्टिंग मेथड, रोस्टिंग मेथड क्या था थियरी था आपको लिखा था ना तो यार प्लीज हमेशा पढ़ लिया करो ये रहा ये आपके लिए बड़ा लिस्टिंग रोस्टेड तो बार बार ये आपको वर्ड्स क्या हो जाने चाहिए याद हो जाने चाहिए और कैसे होने चाहिए इसका तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है तो उसी तरीके से आप आगे बढ़ो चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट वन ठीक है क्या बोला गया है? हमको ऑल मंथ्स इन ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम सॉरी इन द दोलार ठीक है जैसे कि हम बोलते हैं जनवरी फेबर ये कैलेंडर ईयर में हम लोग बोलते हैं अभी इंडियन सोलार ईयर के अंदर आपने शायद सुना होगा अगर सुना नहीं है तो आज के बाद कभी भूलना मत कोई भी पूछे तो चैत्र वैशाख वो सब चीजें जो थी ना आपने कभी हिंदी के अंदर पढ़ी होगी क्लियर है दैट इज इंडियन सोलार ईयर के अंदर क्या क्या मंच आते हैं तो उसको यहां पे लिस्ट डाउन करना है तो मैं पहले सेट बना देता हूँ ए तो अब मेरे को बताओ क्या आप ये डेफिनेट ऑर्डर में लिख सकते हो ऑर्डर मतलब यस yes. क्या है क्योंकि okay, सेट सबसे पहले बन रहा है ना क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी सोलर मंथस है आपको यहां पे लिखना है और ये फाइनाइट है कि इन्फिनाइट है इन्फेनाइट मतलब अनलिमिटेड हो गया फाइनाइट मतलब यू कैन काउंट तो ये काउंट कर सकते हो ना बारह महीने तो, तो वैसे ही इंडियन सिस्टम क्या है मंथ्स के देखते हैं सबसे पहला आएगा ये याद कर लेना चैत्र फिर है आपका वैशाख ज्येष्ठ आर्षाद आरषाढ़ो श्रावण बोलते श्रावण का महीना बराबर है ये सब सॉन्ग्स में आपने किधर ना किधर सुना होगा तो ये सब भूलना मत फिर नेक्स्ट इज भद्रपदा उसके बाद आएगा अश्विन कार्तिक मार्गशीष फिर है पौष, माधो और लास्ट इज फाल्गुन ठीक है ये आपका एक सेट कंप्लीट होगा तो ये आपको याद करना है इसी तरीके से लिखना है इसका और आपको नॉलेज चाहिए प्लीज मम्मी डैडी से इसके बारे में पूछ लेना आज का आज ही तो आपको वो अच्छे से बताएंगे और आपका जो कस्टम्स होते हैं उसके हिसाब से भी इसके अंदर से ही किए जाते हैं तो ये जो भी है इंडियन सिस्टम कौन सा है मंथस का फॉलो किया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है और जनरल नॉलेज के लिए भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाएगा चलो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट तो कितने लेटर्स इसके अंदर आए हैं ना वो हमको नोट no डाउन करना है कोई लेटर डबल दो बार आया तो उसको आप वापस से लिखने वाले हो क्या नहीं उसको सिर्फ एक बार ही आपको लिखना है बस यही मेरे को आपको बताना था तो यहाँ पे क्या लेटर्स इन द वर्ड दैट इज कॉम्प्लीमेंट तो चलो चालू कर दें क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट क्लियर अब बताओ इसको सेट का नाम दे देता हूं मैं सेट बी क्या बनेगा सबसे पहले तो सी आ रहा है ओ आएगा एम पी एल ई -E, बराबर है अब वापस से देखो एम आया एम ऑलरेडी आपने आप ले लिया ना तो वो आप लोगे नहीं फिर क्या है ई e आपने ऑलरेडी आप ले लिया है एन आपने लिया है क्या नहीं तो एन आप ले लोगे टी आपने लिया है क्या नहीं तो कितना हो गया सी ओ एम पी एल ई एन टी तो बस इतना सा ही है आपका क्या बन गया आंसर क्योंकि आप क्या कर रहे हो लिस्टिंग मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपको आंसर्स लिस्ट करने हैं इसके अंदर उसी के बारे में हमको जानकारी देनी है क्लियर है कि नहीं है तो सिंपल चल रहा है चलो बड़े आगे नेक्स्ट सम बाद में मैं लिखने को टाइम देता हूँ आपको साथ में लिख लेना या साथ साथ में लिख भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से और ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के अंदर सब कुछ अच्छे से कवर किया हुआ है ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन ठीक है ना पाँच है ना नॉर्मली क्लियर है कि नहीं नॉर्मली मतलब पाँच ही है चलो क्वेश्चन लिख लेता हूँ कौन से कौन से सोचते रहो अब दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे आप साइंस भी आ गया थोड़ा जोग्राफी भी आ गया सब कुछ चल रहा है लॉजिक का आपको डेवलप करना है तो मैथ्स के अंदर आप बोलो कि सर ये सब क्या पढ़ रहे हो ये सब पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें इस तरीके से हैं और ये बहुत जगह पे काम आता है आप समझ समझो ये जो सेट्स वगैरह है ना ये आईटी जब आप आगे कभी पढ़ोगे आप बोलोगे सर आईटी तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है वहां पे आप क्या ये कोडिंग जब आप करोगे ना एक चीज समझो मेरी बात देखो यूज़ेस तो बहुत सारे एक मैं आपको बताता हूँ अभी ये टॉपिक निकल गया तो एक एग्जांपल आ चुका है तो बता देता हूँ आपको कोडिंग करना है कंप्यूटर के इसमें मतलब कंप्यूटर के साथ आप बातें कैसे करने वाले हो जैसे आप मेरे से बातें करते हो वैसे करोगे क्या जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे करोगे क्या नहीं ना तो कंप्यूटर की भाषा में आपको उससे बातें करनी है तो उसको बताना पड़ेगा कुछ चीज़ें तो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे कुछ सिस्टम में ताकि वो कंप्यूटर समझ पाए अब वो बोलोगे सर ये सेट्स उधर वो समझ जाएगा क्या हमको समझने में इतनी दिक्कत हो रही है नॉन लिविंग थिंग क्या समझेगा अरे वो बहुत अच्छे से समझेगा उसको समझाओ तो पहले उसके वो समझने के लिए आप जब उस फील्ड के बारे में पढ़ोगे लेकिन ये वाले लॉजिक सब काम आएंगे क्योंकि वो लॉजिक उसको डेवलप करना है एक आगे में टॉपिक होगा लॉजिक करके तो आपकी लॉजिक इसी के थ्रू बनेंगे ये जो आप सीख रहे हो ना चीजें तो अभी आपको समझो कभी एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं आप कोई भी वेबसाइट पर आईडी बनाते हो क्लियर है तो आपको डेट ऑफ आप बर्थ पूछता है तो डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो क्या होगा फर्स्ट से लेके थर्टी फर्स्ट के ऊपर कुछ आने वाला डेट बराबर है ट्वेंटी एट इज द लास्ट फेब के अंदर 29 हो सकता है 30 हो सकता है 31, फर्स्ट थर्टी सेकेंड का भी हो सकता है क्या तो आप वहाँ पे कंप्यूटर को बताओगे वन से ले वो डेटा पर्टिकुलर फील्ड में डेट के वन से लेके 31 फर्स्ट ही आना है उसके आगे कुछ आना नहीं है मंथ वन टू ट्वेल्व उसके आगे कुछ आएगा क्या नहीं ना अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी चल रहा है तो मेरे को एक चीज़ बता दो या ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो भी करंट ईयर चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आने वाला है सब कुछ है बराबर है तो क्या अभी ईयर कितना टू वन जीरो जीरो लिखा होगा क्या नहीं ना तो उनको पता है कि आपको कौन सा ईयर तो वहां पे वो क्या लगा देते हैं एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो रिस्ट्रिक्शन कैसे लगेगा इसी के थ्रू लगेगा दैट इज यर लॉजिक पढ़ोगे और ये समझ लो उसी का एक तरीके का पार्ट है क्लियर है कि नहीं है तो आप पढ़ते रहे हो नंबर सिस्टम बोलोगे सर आप नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हो रियल नंबर्स चल रहा है सेट्स चल रहा है वो भी आगे आएगा ना सब कुछ टॉपिक अभी तो सेट्स कर रहे हैं रियल नंबर सब कुछ आएगा तो ये सब कुछ बनेगा एक आगे वो एक यूज कंप्यूटर के फील्ड में मैंने आपको एक बता दिया चलो थर्ड क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा था लिख लेते हैं यहां पर द सेट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बी क्लियर अब क्या क्या होगा आंसर बताओ इसको सेट का नाम दे देता हूं मैं सी ठीक है क्या होगा बताओ सबसे पहले नोस क्या करते हैं मुझसे स्मेल करते हैं फिर क्या ईयर्स हम सुनते हैं बराबर है फिर आइज देखने के लिए सेंसरी ऑर्गन्स है ना ये फिर क्या होगा आपका बोलो आराम से सोचो टंग टेस्ट करने के लिए और क्या है लास्ट में है स्किन सब कुछ देखो नोस आपको अच्छे से पता है फेस के अंदर ही नोज ईयर्स आईस टंग चार तो यहां पे हो गए स्किन तो पूरे बॉडी पे है तो ये आपको याद हो गए तो तकलीफ करने की जरूरत नहीं कभी भूल भी जाओ तो अपने चेहरे पे ही सब आंसर छुपे हुए हैं क्लियर है कि नहीं है चलो नंबर फोर्थ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेंटी प्राइम नंबर्स के अंदर आप कंफ्यूज मत हो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं वो सिर्फ उसी के टेबल में आते हैं जैसे अगर मैं बोलता हूँ एग्जांपल लेता हूँ मैं फोर तो फोर देखो टू के टेबल में भी आएगा और फोर के टेबल में आ जाएगा टू टू ज़ा वन फो फोर जॉरी फोर वन जा फोर तो टू के टेबल से भी डिवाइड हुआ, हुआ फोर के टेबल से भी डिवाइड हुआ तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं हुआ जैसे नंबर ले, ले लेता हूँ फाइव तो फाइव वन जा फाइव तो और कोई डिवीजन होने वाला नहीं मतलब उसके वन उसके उसके अंदर फैक्टर फैक्टर बनेंगे और 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 नंबर 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 बनना चाहिए चाहिए कोई कोई फैक्टर्स बनने नहीं एक ही ऐसा है 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 जो इवन 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 प्राइम प्राइम टू तो तो समझता है आपको तो बस क्या किया तो 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 था प्राइम प्राइम नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेंटी इसको मैं नाम दे देता हूँ नंबर डी क्या लिखोगे सबसे पहले तो है टू क्लियर है नहीं? कि नहीं है ये पहले भी क्या हुआ आपने थ्री फाइव वन जो फाइव सिक्स देखोगे तो टू और थ्री के टेबल में आता तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा सेवन एट भी नहीं होगा टू के टेबल में जाएगा फोर के टेवल में जाएगा एट की टेबल में भी जाएगा तो वो एट हमारा आंसर नहीं होगा नाइन भी आंसर नहीं होगा थ्री की टेवल में नाइन की ट्वेल में जाएगा उसके बाद आप पहुँचोगे आगे टेन तो नहीं है इलेवन ट्वेल्व भी नहीं होगा थर्टीन फिर डायरेक्टली फोर्टीन फिफ्टीन भी नहीं होगा सिक्सटीन भी नहीं होगा सेवनटीन और लास्ट आपका बनेगा नाइनटीन क्लियर है तो ये आपके क्या बन गए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम वन टू तो ट्वेंटी क्लियर सिंपल चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मैं आपको समय भी दूंगा नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कितने हैं सात है ना कॉन्टिनेंट तो चलो लिख देते सात के साथ के नाम अब देखो आपका पूरा जोग्राफी टेस्ट हो रहा है यहाँ पे ठीक है सेट ऑफ इसको दे देता हूँ ए बी सी डी हुआ तो ई e सेट दे, दे देता हूँ सबसे पहले एशिया फिर अफ्रीका कंट्रीज का नाम नहीं लिखना है कॉन्टिनेंट का नाम पूछा है यहाँ पे यूरोप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है पूरा का पूरा एंटार्टिका साउथ अमेरिका और क्या है नॉर्थ अमेरिका छ सात सात हो गए क्लियर तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में अब ये सब चीजें मुश्किल नहीं है बहुत सिंपल है सिंपल लॉजिक है चलो अगर जिसने लिखा नहीं है प्लीज लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा ठीक है लेवल पता है थोड़ा ना ऊपर हुआ है जो आप पढ़ते थे एट स्टैंडर्ड के अंदर पर कोई दिक्कत नहीं है हमने हमारी पढ़ाई का लेवल भी बढ़ा दिया उसके साथ तो उस सब कुछ मैच हो जाएगा क्लियर चलो स्टार्ट करें बढ़े आगे फोर्थ और फिफ्थ दोनों हो गया राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल रूल मतलब आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझ गया गलती से भी आप अगर कभी कन्फ्यूज हो जाओ अब देखो यूजिंग लिस्टिंग मेथड स्टेटमेंट है ना ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम तो ऑबियसली बता है आप आंसर लिखोगे अब यहाँ पे नंबर्स है तो आप स्टेटमेंट लिखोगे तो सिंपल लॉजिक के तरह से भी इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो लेकिन वो एक थोड़ा बोलते हैं ना गलत चीज़ है पर ठीक है भूल जाओगे तो उस टाइम आंसर याद करना ही इंपॉर्टेंट है ना तो कैसे हमको आंसर्स लिखना है तो वो आप इस तरीके से कर लेना राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड ए इज गिवन हाउ मच ए इज इक्वल टू वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर एटी वन हंड्रेड अब इसको आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो वन वन जन ये है टू इंटू टू क्लियर यह आएगा आपका हो जाएगा थ्री इंटू थ्री फिर यह है फोर इंटू फोर फाइव इंटू फाइव मतलब मैं बोल सकता हूँ यह सब क्या है स्क्वायर है नंबर फाइव का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर एट एट जा सिक्सटी फोर नाइन नाइन ज़ा एटी वन टेन टेन ज़ा हंड्रेड मतलब टेन मल्टीप्लाई बाय टेन तो इस तरीके से नंबर्स चल रहे हैं तो चलो देखते हैं इसको कैसे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट ए इज इक्वल टू सबसे पहले लिखते हैं वन फोर नाइन ठीक है सिक्सटीन फोर फोर ज़ा फिर क्या ट्वेंटी फाइव सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स सेवन सेवन ज़ा सिक्सटी फोर एट वन नाइन नाइन एटी वन और लास्ट क्या था आपका हंड्रेड ठीक है इस तरीके से हो गया अब आंसर बताओ ना मेरे को क्या लिख सकते हो ये भी आपने इस तरीके से किया हुआ है लिखा हुआ है मैंने समझाया भी था

नेचुरल नंबर तो इधर भी लिख देता हूँ मैं ए इज इक्वल टू तो आपने क्या किया उसका फॉर्म कन्वर्ट कर दिया है एक्स इज सज दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स को आप अगर स्क्वायर करोगे तो आपका ऊपर वाला सीरीज बन गया अगर आपको इसको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सिम्बॉलिकल फॉर्म में और ए इज इक्वल टू एक्स इज सज दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर मतलब अगर आपकी वैल्यू ये वन है तो यहाँ पे वन स्क्वायर अगर आपकी एक्स की वैल्यू टू है तो ये हो गया टू स्क्वायर समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको क्लियर तो ये आपको क्या हो गया रिप्लेसमेंट हो गया इस तरीके से आपको मैंने बताया ठीक है एन स्क्वायर उसके यहां पे खत्म नहीं हुआ उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेर लिमिट डालनी पड़ेगी ना एन इज लेस देन इक्वल टू टेन अगर आप लिमिट नहीं डालोगे तो ये तो अनलिमिटेड चलता रहेगा इनफेट सीरीज बोली नहीं है ना अगर ये इन्फिनाइट सीरीज बोली होती तो हम हमारा आंसर यहाँ पे स्टॉप कर देते पर ऐसा बोला हुआ नहीं है तो इसके लिए हमको लिमिट डालनी बहुत जरूरी है कि एन को आपको कहाँ तक आगे जाके रोकना है तो इस हिसाब से आपका ये पहला सिम कंप्लीट होगा एक और समे फिर मैं आपको टाइम दे देता हूं लिखने को सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी सिक्स फॉर्टी टू फोर्टी एट अब आप ऑब्जर्व करो क्या दिख रहा है आपको सिक्स का टेबल दिख रहा है सिक्स वन जिक्स सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व सिक्स थ्री जा, एटीन सिक्स फोर जा, ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव ज़ा थर्टी इस तरीके से चल रहा है तो चलो इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं बी इज इक्वल टू सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर था फिर थर्टी थर्टी सिक्स फोर्टी टू फोर्टी एट अपने मन से आगे लिख दो मत देना पता है आपको आधा सिक्स का टेबल जितना क्वेश्चन है उतना ही उसके आगे बढ़ना नहीं तो आप क्या लिखोगे सबसे पहला एक्स इज द फर्स्ट कितना नंबर से एक दो तीन चार पांच मतलब कितना सिक्स एट फोर्टी एट फर्स्ट एट मल्टीपल ऑफ सिक्स क्लियर है तो इस तरीके से ले सकते हो या तो सिंबॉलिकल फॉर्म जैसे मैंने आपको सिखाया था और बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दै एक्स इज इक्वल टू सिक्स एन अब आप बोलोगे सर यह क्या किया आपने अब आ आ आ की वैल्यू वन डाला तो सिक्स वन जा वन सॉरी सिक्स वन जा सिक्स एन की जगह पे टू डालो सिक्स टू जा ट्वेल्व सिक्स के जगह पे थ्री डालो तो सिक्स थ्री जा एटीन तो ये आपको इस तरीके से सिम्बोलिकल फॉर्म में लिखने को समझना चाहिए ये जो येलो से लिखा है पेंसिल से लिख देना आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ समझने के लिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन है क्योंकि आप अभी सीख रहे हो ना आपको सिम्बॉलिकल फॉर्म में अभी इजी लगता है कि मैं आपके सामने हूं आपको बता रहा हूं आप लिख रहे हो समझ भी रहे हो जब कोई अलग नंबर आ जाए तो इस तरीके से आपको क्या होगा ईजी होगी उसको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है क्लियर हो गया इतना लिख के पक्का अब आगे क्या लिखोग लिमिट डालनी पड़ेगी ना वेर एन कौन सा नेचुरल नंबर ना होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं यहाँ से तो हमको जीरो नहीं चाहिए ना सिक्स जीरो वो खत्म हो गया आंसर वैसा वैसा हमारे सीरीज के अंदर है नहीं होता तो हम होल नंबर लेते हैं पर नहीं है ना जीरो तो आप क्या लोगे अभी वेर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन बोलेंगे तो नेचुरल नंबर्स उसके अंदर लिमिट डालनी पड़ेगी आपको वेर एन इज लेस देन इक्वल टू सिक्स तो लिमिट डाल के आप क्या कर दोगे आपका काम समाप्त आप कर दो सॉरी सिक्स नहीं है एट है ना मल्टीपल ऑफ सिक्स देखा था मैंने दैट इज़ वेयर एट मल्टीपल ऑफ सिक्स तो है ही पर लिमिट कितनी है एट सिक्स या फोर्टी एट लास्ट तो ये आपको आंसर लिखना है ठीक है आराम से लिख लो अभी क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट और सेकंड फिर आगे थर्ड और फोर्थ फिफ्थ पांच होगा मेरे ख्याल से पांच ही है ठीक है चलो बढ़े आगे C इज इक्वल टू स्माइल ठीक है चलो लिखते भाई एस एम आई एल ई ठीक है और कोई वर्ड डबल करके बनाना नहीं है जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट को कन्वर्ट किया था याद होगा उस तरीके से यहाँ पे एक वर्ड है स्माइल देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर थ्री C इज इक्वल टू सेट के अंदर S M I L E क्लियर अब क्या लिखोगे आप C इज इक्वल टू एक्स इज सज दैट एक्स इज अ लेटर एक्स इज सजेट तो देखो आपको सब के अंदर डालना ही डालना पड़ेगा is इज that दैट is इज अ लेटर इन word एस एम आई एल ई क्लियर और कुछ बनता है क्या स्माइल और कुछ बनता है एक बन सकता है आपका माइल्स क्लियर तो आप इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो और ये आगे पूरा का पूरा सेम रहेगा तो बीच में डाल देता हूँ मैं और क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर संडे मंडे ट्यूसडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे संडे नहीं क्या सैटरडे तो संडे से लेके सात ये क्या डेज ऑफ अ वीक है, है ना तो ये तो और भी सिंपल है तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ पूरा पूरा आप लिख देना डी इज इक्वल टू संडे मंडे ट्यूसडे पूरा लिखना क्लियर है ये सात वीक हो गए अब आप क्या लिखोगे इसके सॉरी सेवन डेज ऑफ अ वीक हो गए therefore d is equal to मैं सिर्फ आंसर लिखता हूँ x is such that x is a day of a week मतलब पहले x के जगह पे संडे फिर क्या होगा मंडे ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस तरीके से आपको कंप्लीट कर देना और एक लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर फाइव फिर प्रैक्टिस सेट हमारा 1.1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा x इज इक्वल टू ए टी अब ये भी वर्ड बनाना है अभी इससे क्या वर्ड बना सकते हो एक तो बना सकते हो आप ई ए टी ईट टी ई ए टी ठीक है तो दो वर्ड बन सकता है तो जैसे आपने स्माइल का किया था ना उस तरीके से ये वाला कंप्लीट कर दो तो ये भी आंसर हो जाएगा चलो लिख लेते हैं लिख भी लेते हैं एक्स इज ईक्ल टू सेट के अंदर दो वर्ड थे तीन वर्ड थे ए ई टी अब कैसे बनाओगे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वर्ड एक्स इज द लेटर इन द वर्ड एक तो हो जाएगा आपका ईट क्लियर और पूरा का पूरा सेम ईट के जगह पर क्या लिख दोगे आप लास्ट में देट इज टी बाकी सब कुछ क्या होगा सेम तो प्लीज ये कंप्लीट कर लो क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव इसी के साथ प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट वन में वाइंड अप करता हूं एक छोटी सी चीज एक लिखा दूंगा आपको जो अब तक हमने की थी तो एक छोटा सा एक आपको रिकैप हो जाएगा वो चीजें जैसे नेचुरल नंबर्स को क्या सिंबोलिकल फॉर्म में एक एग्जाम्पल छोटा सा लिख लेंगे तो पहले आप इतना सा कंप्लीट कर लो दो मिनट लगेगा वो करने में ठीक है तो उससे क्या हो जाएगा आपको इजी हो जाएगा और नोट्स तो आपने देखा ही हमने काफी लिखा है उसके बाद भी वन के पहले जो भी होगा कॉन्सेप्ट होगा लगेगा वो कंप्लीट करेंगे फिर ही हम आगे बढ़ेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नोटेड बाय एन ठीक है कैपिटल एन से डिनोट होंगे और इसके अंदर सीरीज क्या बनेगी एन इज इक्वल टू नेचुरल जैसे नॉर्मल दैट इज वन टू थ्री फोर इस तरीके से चलते रहेंगे फिर आपने सीखा द सेट ऑफ होल नंबर्स ये होंगे डिनोटेड बाय W और यहाँ पे आपका बनेगा होल मुंह खोलते ही जैसे इनका O तो जीरो वन टू थ्री फोर चलते रहेंगे फिर आपने क्या सीखा था द सेट ऑफ इंटीजर्स ये हो जाएंगे डिनोटेड बाय कैपिटल आई और क्या बनेगा यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी होंगे जीरो भी इंक्लूड होगा क्लियर मतलब इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी कवर हो गए होल नंबर्स भी कवर हो गए क्लियर और नेचुरल नंबर होल नंबर में होल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर भी कवर हो गए क्योंकि जीरो और वन टू थ्री फोर तो आया नेचुरल नंबर से ही है इंटीजर्स के अंदर होल नंबर नेचुरल तो प्लस नेगेटिव नंबर्स भी आ गए तो नेगेटिव इंटीजर्स किसको बोलोगे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन और पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से चलते रहेंगे फिर आपने क्या सीखा नंबर फोर दैट इज रैशनल नंबर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और ये डिनोट denote होंगे डिनोटेड बाय क्यू ये चीज है ध्यान रखना ये सब चीज जो डिनोटेड बाय बता रहा हूं मैं तो इसके लिए क्या बनाओगे आप क्यू इज इक्वल टू एक्स इज सजेट सज दैट आप स्लैश करके लिखो दो इस तरीके से डॉट डाल के लिखोगे तो भी चलेगा इज अ नंबर नंबर क्लियर आपको अगर याद होगा सबसे पहले स्टार्टिंग में दिख रहा है पी अपॉन क्यू फॉर्म क्लियर और इेशनल नंबर नंबर इन पी अपॉन ऑन क्यू फॉर्म को क्या बोलोगे इैशनल नंबर रियल नंबर क्या कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इेशनल नंबर इज टर्म्ड एज रियल नंबर्स क्लियर रैशनल नंबर्स तो सब कुछ ठीक है आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में हो गया था एक छोटा सा एक समरी लिखा रहा हूं और कुछ नहीं है नंबर फिफ्थ आपने क्या सीखा था द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड बाय आर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे ना यहाँ पे ध्यान दो नेचुरल नंबर कैपिटल एन क्लियर होल कैपिटल डब्ल्यू होल हो गया बराबर है इंटीजस का आई कैपिटल आई रियल का आर सिर्फ ये रैशनल नंबर जो है ना आर इसके इधर क्यू है ये चीज ध्यान रखना रियल नंबर्स के इधर रियल है रैशनल बड़ा है कुछ चेंज करना है दैट इज क्यू यही एक छोटा सा चीज है बाकी सबका तो स्टार्टिंग का जो है वही है तो इसको भी लिख लेते हैं आगे तो ये सेट बन जाएगा आपका आर एक्स इज सजैट एक्स इज अ रियल नंबर ये मोस्ट कॉमनली सेट्स आपके हैं तो इसको भी आप लिख लो अगर आपने ये नहीं लिखा है तो ये पहले लिख लो रखता हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव और फिर दो मिनट थोड़ी देर में ये भी दिखा देता हूँ इसके देखो डिटेल में नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है आपको ही काम आएंगे और किसी को काम आने वाले नहीं है Okay, now we are done with practice set number 1.1. Clear?